उस पिक्चर को देखते ही मुक्ता की आंखें भर आई थी। वो इस बात को फिगर आउट ही नहीं कर पा रही थी कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी। मुक्ता ने खुद से ही बात करते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों की परफेक्ट स्टोरी में मैं थर्ड व्हील बनकर आई हूँ। भले ही अब तक किसी ने मुझसे ये नहीं कहा, लेकिन अब मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। खुद से ही बड़बड़ाने के बाद अब मुक्ता सिसकियां लेने लगी थी। कंप्यूटर लैब के दूसरे कोने में बैठे ईशान ने मुक्ता के रोने की आवाज सुन ली। वो एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया। अब इसे क्या हुआ है? क्या ये मुक्ता रो रही है? जब एकदम से ईशान के दिमाग में ये सवाल आया, वो खुद को रोक नहीं पाया और जिस तरफ मुक्ता बैठी थी उस तरफ ईशान ने अपने कदम बढ़ा दिए। मुक्ता, आर यू ऑल राइट? क्या कुछ हुआ है? एकदम से ईशान की आवाज सुनकर मुक्ता नर्वस हो गई और उसने अपना चेहरा छिपा लिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मुक्ता ने अपनी रोनी सी आवाज में बहुत ही डेस्परेट होकर कहा। वैसे तो मुक्ता के कहने के बाद ईशान वहाँ रुकना नहीं चाहता था, लेकिन ईशान के लिए मुक्ता की कही बात से ज्यादा मुक्ता की आवाज उसका अटेंशन ग्रैब कर रही थी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। इस तरफ देखो, लुक एट मी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? ईशान ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा। मुक्ता कभी भी ईशान की बात नहीं मानती, लेकिन जिस तरह से ईशान ने मुक्ता को ये क्वेश्चंस किए थे, कहीं पर भी वो हमेशा की तरह कोल्ड नहीं लग रहा था। इसलिए मुक्ता के ना चाहते हुए भी वो ईशान की तरफ देखने लगी। जब ईशान ने मुक्ता की बड़ी बड़ी आंखों को भीगा हुआ देखा, वो और भी ज्यादा कंसर्न लगने लगा। तुम्हें फीवर हो गया है क्या, या फिर कहीं दर्द हो रहा है? टेल मी, व्हाट इज रॉन्ग? ईशान ने एक और बार मुक्ता से सवाल किए। मुक्ता ने उससे कुछ नहीं कहा, बस ना में अपना सर हिला दिया। मुक्ता के अनकहे जवाब को सुनने के बाद ईशान की फिक्र थोड़ी कम हो गई। उसने अपने जीन्स के पॉकेट से एक टिश्यू निकाला और मुक्ता के आगे रख दिया। अब ये मत कहना कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, ये लो और अपनी आंखें पोंछ लो। ईशान अब वापस से अपने यूजुअल कैरेक्टर में वापस आ गया था। मुक्ता ने भी उससे कोई बहस नहीं की और अपनी आंखें पोंछने लगी। अचानक से मुक्ता के दिमाग में एक आइडिया आया और जल्दी से टिश्यू को टेबल पर रखकर बोली, तुम आरआरएसवी कॉलेज में कब से हो? क्या तुम लास्ट ईयर के एनुअल फंक्शन के वक्त इसी कॉलेज में थे? मुक्ता ने जब एकदम से उसके फ्रेंड्स के अलावा किसी को देखा, उसके मन में क्यूरियोसिटी जाग गई। उसने सोचा, ये ईशान बहुत ही होशियार है, कुछ कहता तो नहीं है लेकिन सब कुछ सुनता भी है और देखता भी है। इसे जरूर पता होगा कि मीर और मायरा के बीच में क्या रिलेशन था। और वैसे भी जितना काव्या से मैंने सुना है, ये ईशान मायरा के बहुत क्लोज है, तो उसे तो मायरा के बारे में सब कुछ पता होगा। मुक्ता के इस सवाल को सुनकर ईशान एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर उसने मुक्ता के सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, मैं आरआरएसवी कॉलेज में ही था और लास्ट ईयर के एनुअल फंक्शन में भी था, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? डोंट टेल मी कि अब तुम फिर से वही इरिटेटिंग सवाल करने वाली हो कि मैं किस कॉलेज में था, तुमसे मिला था या नहीं। ईशान के आखिरी सवालों ने मुक्ता को इरिटेट कर दिया। उसने ईशान से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कि तुम मेरे सामने अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा चलाते हो? जितना पूछा है उतना ही बोला करो। मुक्ता को रियलाइज हुआ कि वो एकदम से बहुत ज्यादा ही एरोगेंट बिहेव कर रही थी, तो इसलिए मुक्ता ने खुद को शांत किया और ईशान से बोली, सॉरी, तुम मुझे बताओ कि क्या मिहिर और मायरा तब बहुत क्लोज थे? मैं कोई इनसिक्योर गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बस ऐसे ही जानना चाहती हूँ। मुक्ता किसी को भी ये नहीं बताना चाहती थी कि इस वक्त वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही थी, और ईशान को तो बिल्कुल भी नहीं। मुक्ता के इस सवाल को सुनकर
ईशान के होठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई। मुक्ता ने पहली बार ईशान को स्माइल करते हुए देखा था। क्या इसे हंसना भी आता है? मानना पड़ेगा ईशान हंसते हुए हैंडसम लगता है, लेकिन एक मिनट, ये हंस क्यों रहा है? मुक्ता ने मन ही मन में कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम स्माइल के साथ मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मुक्ता ने अननॉयड होके पूछा। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम्हें ये बात मुझसे पूछनी पड़ रही है, ईशान ने बहुत ही कैजुअली कहा, जिसे सुनने के बाद मुक्ता कंफ्यूज लगने लगी। ईशान के लिए मुक्ता के एक्सप्रेशन समझना मुश्किल बात नहीं थी। उसने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये बात तुम्हें मिहिर से पूछनी चाहिए, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर तुम उससे रिलेटेड कोई बात किसी स्ट्रेंजर से पूछ रही हो, तो क्या तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कितना वीक है? पथेटिक। ईशान ने अपनी ये बात कही और वहां से जाने लगा। ये ईशान सही कह रहा है, मैं आज मिहिर से इस बारे में पूछ कर रहूंगी, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। लेकिन वो ईशान के सामने उसके और मिहिर के बॉन्ड को वीक नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने ईशान को रोका और बोली, ज्यादा उड़ो मत, मैंने यही जानने के लिए क्वेश्चन किया था कि कहीं तुम नौजे इंसान तो नहीं हो। मैं जानना चाहती थी कि क्या मिहिर के साथ प्रॉब्लम्स होने की वजह से तुम मुझे तो टारगेट नहीं कर रहे। मेरे और मिहिर के रिलेशन को जज करने की कोई जरूरत नहीं है, वी आर गुड टुगेदर। मुक्ता अनजाने में ही ईशान जैसे स्ट्रेंजर के सामने अपने रिलेशनशिप का शो ऑफ कर रही थी। उसने अपनी बात कही और कंप्यूटर लैब से बाहर चली गई। मुक्ता की इन इलॉजिकल बातों को सुनकर ईशान का मुंह बन गया। उसने मुक्ता को जाते हुए देखकर खुद से ही कहा, ये लड़की पागल है क्या? कंप्यूटर लैब से निकलने के बाद मुक्ता ने मिहिर को कॉल किया। कुछ देर रिंग बजने के बाद मिहिर ने कॉल आंसर किया। हेलो मिहिर, तुम कहाँ हो? मुक्ता ने इम्पेशेंट होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मिहिर ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, बेबी तुम कहाँ हो यार, दिन भर कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ हुआ है क्या? मुक्ता को एकदम से एहसास हुआ कि आज सुबह के बाद उसने मिहिर से कोई बात ही नहीं की थी। पहले वरुण का अचानक से शर्मा अंकल के ऑफिस में आना और फिर मुक्ता का उन लड़कियों की बातें सुनना, उन दोनों चीजों ने मुक्ता को कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया था और इस वजह से ही वो मिहिर के साथ बात ही नहीं कर पाई थी। उसने मिहिर के बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मिहिर, वो घर पर कुछ इमरजेंसी हो गई थी, मैंने वो सब संभाल लिया है। तुम अभी कहाँ हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मुक्ता ने बहाना बनाते हुए पॉइंट की बात भी कर ली थी। मिहिर ने उससे कहा, ओके बेबी, मैं लाइब्रेरी के बाहर हूँ, तुम आ जाओ, हम बात करते हैं। मिहिर का जवाब सुनने के बाद मुक्ता ने हामी भरी और कॉल काट दिया। कुछ पता होने के बगैर अंदाजा लगाने से तो अच्छा है कि मैं मिहिर से ये सब साफ साफ पूछ ही लूं, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। अब उसका इरादा क्लियर था। दूसरी तरफ आज काव्या और प्रखर एक साथ स्पोर्ट्स रूम में काम कर रहे थे। उस दिन की पार्टी के बाद प्रखर काव्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। वैसे उसकी ये हरकत गलत नहीं थी, उसने शराब के नशे में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को प्रपोज कर दिया था और प्रखर को अब इस सब के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो काव्या से जितना हो सके उतना कम बात कर रहा था। लेकिन आज काव्या उससे बात करके मानने वाली थी। उसने प्रखर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, माना कि ये प्रखर उस रात को नशे में था और अगले दिन उस रोमांटिक प्रपोजल के बारे में भूल गया था, लेकिन नशे में तो इंसान सच ही कहता है। डीप डाउन इन हिज हार्ट प्रखर मुझसे बहुत प्यार करता है, शायद वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा नर्वस हो रहा है, लेकिन आज मैं सब कुछ क्लियर करके ही रहूंगी। प्रखर से बात करने का मन पक्का करने के बाद काव्या ने कहा, प्रखर यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। काव्या की कही ये बात सुनकर भी प्रखर ने अनसुनी कर दी। मैं इस कॉन्वर्सेशन से बचने के लिए कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है आज मैं काव्या से नहीं बच पाऊंगा। शिट यार,
मैं कभी भी अल्कोहल नहीं पीने वाला, प्रखर ने मन ही मन में कहा। जब काव्या ने देखा कि प्रखर अभी भी उसे अवॉइड कर रहा था, उसने प्रखर के पास जाते हुए कहा, प्रखर क्या तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बिहेव करोगे? नाउ स्टॉप दिस ड्रामा और मेरी तरफ देखो। काव्या ने अपनी ये बात बहुत ही फर्म अंदाज में कही थी। वो सब सुनकर प्रखर को चिड़चिड़ा लगने लगा। एक दोस्त की तरह ही काव्या बहुत डोमिनेटिंग और कंट्रोल फ्रीक थी। प्रखर उसे गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचकर ही डर रहा था। क्या उस रात विस्की पीने के बाद मैं किसी और को प्रपोज नहीं कर सकता था? मैं ही बेवकूफ हूँ, वो सब मेरी ही गलती थी। मुझे वो स्टुपिड गेम खेलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर मैंने काव्या के साथ टीम बनाई ही नहीं होती और सबने हम दोनों को मेड फॉर ईच अदर का नाम नहीं दिया होता तो ये सब नहीं होता, प्रखर ने मन ही मन में कहा। प्रखर मैंने तुमसे कुछ कहा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? प्रखर, जब उसने देखा कि प्रखर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, काव्या ने प्रखर का नाम पुकारते हुए कहा। प्रखर ने कुछ सोचा और काव्या से कैजुअली बोला, काव्या वो मुझे अभी अभी याद आया कि मिहिर को मुझसे कुछ काम था, उसने मुझे अर्जेंटली बुलाया है, हम बाद में बात करते हैं। प्रखर की कही ये बात सुनकर काव्या बिल्कुल भी कन्विंस नहीं लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो प्रखर से कुछ कह पाती वो वहाँ से चला गया था। प्रखर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज तो मैं तुमसे बात करके ही रहूंगी, काव्या ने अपने आप से ही कहा और स्पोर्ट्स रूम से बाहर निकलकर प्रखर के पीछे जाने लगी। मुक्ता जल्दी से लाइब्रेरी की तरफ गई। उसने देखा कि बाहर एक चेयर पर मिहिर बैठा हुआ था। उसे देखकर मुक्ता ने अपना मन पक्का किया और उसके पास गई। बेबी क्या सब कुछ ठीक है? घर पर क्या हुआ था? मिहिर ने मुक्ता को देखते ही कहा। मुक्ता ने नॉर्मल होकर कहा, कुछ सीरियस बात नहीं थी, मैंने संभाल लिया था। सॉरी मैं सुबह तुम्हारे साथ नहीं थी। मुक्ता की बात सुनकर मिहिर की सारी नाराजगी गायब हो गई। उसने मुक्ता का हाथ पकड़ा और उसे बोला, इट्स ओके बेबी, ये बताओ कि तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती थी? मिहिर ने कहा। उसका ये सवाल सुनकर मुक्ता ने एक गहरी सांस ली और बोली, मिहिर ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, आई एम नॉट श्योर कि तुम मुझसे इस बारे में बात करना भी चाहोगे या नहीं, लेकिन अगर मैंने आज इस बारे में तुमसे ये सवाल नहीं किया तो शायद मैं किसी भी बात पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। मुक्ता ने अपनी ये बात बहुत ही सीरियस होकर कही थी। मिहिर ने मुक्ता से कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? टेल मी क्या हुआ है, तुम क्या जानना चाहती हो? मिहिर की आंखों में सवाल देखकर मुक्ता ने कुछ सोचा और बहुत ही संभाल कर अपना एक एक शब्द चुनते हुए कहा, मिहिर मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या तुम और मायरा, मेरा मतलब क्या वो मायरा पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? I mean, उसके न्यूयॉर्क जाने से पहले? मुक्ता ने अपने ये सारे सवाल बहुत ही हिचकिचाहट के साथ पूछे थे। मुक्ता ने देखा कि उसके पूछे सवाल सुनकर मिहिर एकदम से शांत हो गया। 10-15 सेकंड्स के सन्नाटे के बाद अब मुक्ता से रहा नहीं गया। उसने मन ही मन में कहा, जिस तरह का रिएक्शन मिहिर दे रहा है, मुझे डर है कि सच में वो मायरा के साथ रिलेशनशिप में था। अब मैं क्या करूं? मिहिर की खामोशी अब मुझे रेस्टलेस कर रही है। कुछ सोचने के बाद मुक्ता ने मिहिर से कहा, मिहिर ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मुक्ता के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी। उसे अपसेट होते हुए देखकर मिहिर से रहा नहीं गया। उसने मुक्ता से कुछ कहने की कोशिश की। वो बोला, मुक्ता वो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। मिहिर के इस सवाल को सुनकर मुक्ता ने ज्यादा सोचे बिना कहा, मिहिर मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि कॉलेज में हर कोई तुम दोनों के बारे में ही बात करता है,
तुम दोनों के साथ कई सारी पिक्चर्स हैं। वो तुम्हें इतने अच्छे से जानती है जितना मैं भी नहीं जानती। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद तुम्हारी लाइफ, फ्रेंड्स, फैमिली, चॉइसेस, इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुक्ता ने एक सांस में अपनी सारी बात कह दी थी। उसके सभी ख्याल मिहिर के सामने किसी खुली किताब की तरह बिखरे हुए थे। मुक्ता की बातें बिल्कुल भी गलत नहीं है, उसे मेरे बारे में जानने का पूरा हक है। मिहिर ने मुक्ता की तरफ देखा। अब उसने मुक्ता को सब कुछ बताने का मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही मिहिर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, उसने और मुक्ता ने कुछ सुना। मिहिर, आज तुम्हें सब कुछ क्लियर करना ही होगा। मुक्ता और मिहिर के कॉन्वर्सेशन को बीच में किसने इंटरप्ट किया था? क्या था मिहिर और मायरा के पास्ट का सच? क्या मिहिर सच में मुक्ता को सब कुछ बताने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।